75वां जनपदीय शैक्षिक युवा क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन पार्कर इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार द्विवेदी संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारदश मंडल मुरादाबाद रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के संयोजक प्रधानाचार्य नन्नी सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन खेल शिक्षक एवं प्रवक्ता वंश बहादुर सिंह ने किया। रवि कुमार के साथ अजय सक्सेना की रिपोर्ट। जोरदार तालियां बजाएं, ये ध्वज हम सबकी आशाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और इसके लिए चैंपियन छात्रा मशाल लेकर के दौड़ रही है और मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा हो चुका है। अब खेल में हम सभी नियमों के तहत भाग लेंगे। एक शपथ यहाँ पर लिया गया, चैंपियन छात्रा मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज पायल हमारे पास खड़ी है, ये शपथ यहाँ से लेगी और सभी बच्चे इनके साथ साथ बाद में बोलेंगे। पहले ये लड़की बोलेगी, शपथ लेगी, आप दोहराएंगे, सभी बच्चे दोहराएंगे जो सामने खड़े हैं सभी, और ध्वज को बेटा सर आगे आ जाइए, सर मेजर साहब से अनुरोध है, सर आगे आ जाइए, सर आ जाइए, सर आ जाइए सर। और ये संकुल हमारा राजकीय इंटर कॉलेज संकुल, बच्ची कसक कसक दौड़ करके आ जाए बेटा। अगला संकुल राजकीय इंटर कॉलेज बढ़ता हुआ बेटा दाहिनी तरफ देखते हुए जाना है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय की तरफ। आगे बढ़ता हुआ मार्च पास्ट की अगुवाई करता हुआ सभी बच्चे कदम दाल करते रहे, मुस्कुराहटे दिखाते हुए कदम से कदम मिलाते हुए हमारे ये बच्चे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को माननीय अध्यक्ष महोदय को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नन्हे सिंह प्रधानाचार्य हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज। आज सर यहाँ पर पार्कर इंटर कॉलेज में क्या कार्यक्रम था? ये 75वां शैक्षिक युवा क्रीड़ा समारोह का आयोजन हुआ है पार्कर इंटर कॉलेज के मैदान में और 16 संकुल खेल रहे हैं। 16 संकुल के छात्र इस विद्यालय में जिले की रैली में शामिल हुए हैं। कहाँ के संकुल थे ये? पूरे जिले में 16 संकुल बनाए गए थे और एक एक संकुल में 15-15 16-16 विद्यालय थे मिला करके। उन सभी वो संकुलों में जितने विजयी हुए हैं छात्र वो सभी खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा भी कोई बच्चों को जो यहाँ जिले में जीतेंगे उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से कहना चाहेंगे कि वो खेल में अपना प्रतिभा करें। खेल जीवन को अनुशासित बनाता है, मजबूत बनाता है और खेल के द्वारा आदमी अपने जीवन का विकास कर सकता है।